हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं दिल्ली का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है मटर कुलचा। तो उसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और ये रेसिपी मैंने जो ठेले वाले भैया हैं उन्हीं से सीखी है, और इतना ज़्यादा परफेक्ट बन के तैयार हुआ था और इतना ज़्यादा चटपटा बन के तैयार हुआ था कि सभी को खाकर बहुत मज़ा आया। चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ सफ़ेद वाले मटर लिए हैं और इसको हम अच्छे से धो लेंगे, और धोने के बाद पानी डालकर 7 से 8 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। कुलचे की तैयारी कर लेते हैं। 2 कप यहाँ पर मैदा लिया है, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। तो किसी भी कंपनी का आप ले लें, डब्बे वाले दूध। यहाँ पे मैं इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी ईस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ईस्ट डालने से बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है कुलचा, पर अगर ईस्ट अवेलेबल नहीं है तो उसका भी तरीका बता देती हूँ। मैदे में आपको थोड़ा सा नमक डालना है, मिल्क पाउडर डालना है और थोड़ा सा दही डाल के अच्छे से मोयन की तरह लगा लेना है। 1 चम्मच या तो आप इनो डाल दें या थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें, और डालने के बाद इसी तरह से गुनगुने पानी के साथ गूंदना है जैसे कि मैं इसको गूंद रही हूँ। उससे भी जो डो तैयार होगा उससे भी आप अगर कुलचा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा कुलचा बन के तैयार हो जाता है, लेकिन अगर ईस्ट हो तो ज़रूर डालें। थोड़ा सा गूंदने के बाद इसमें थोड़ा बटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लाइस में करके बटर डाल रही हूँ, क्योंकि मेल्ट किया हुआ बटर नहीं डालना है, और इस तरह से स्लाइस कर दें तो जल्दी मेल्ट हो जाता है ये। और बटर को डो के साथ अच्छे से मिक्स करना है इस तरह गूंदते हुए। जितना अच्छा गूंद कर आप ये डो तैयार करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो कुलचा है बनके तैयार होगा। डो हमारा रेडी हो गया था, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से हम इसे दूसरे बर्तन में डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा बटर ग्रीस कर देंगे, और ढक्कन को लगा के हम 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। वैसे तो गर्मी अभी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि आप कहीं भी रख दें, 2 घंटे में अच्छा राइज हो जाएगा। मटर में डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। पानी को मटर से थोड़ा ऊपर तक रखा है ताकि ये अच्छे से गल जाए, जब तक बिल्कुल मशीन नहीं हो जाता तब तक इसको पका लेंगे। जब तक मटर गल रहे हैं चटनी बना लेते हैं। 1 कप डाला है धनिया, 1 कप पुदीना, थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर सौंफ 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच ही यहाँ डाल रही हूँ काली मिर्च, 1 मोटी इलायची या बड़ी इलायची है तो उसका छिलका से हम इसके दाने को निकाल के डालेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा काला नमक और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर 1/2 कप के करीब मेरे पास इमली का पल्प है, तो इमली भिगो के रख दिया था रात में ही, और इन सभी चीज़ों को डाल के हम एक चटनी बना के तैयार करेंगे। तो ये चटनी ही इस मटर की जान होती है। तो बढ़िया से ये चटनी बनके तैयार हो गई है, निकाल लेते हैं एक बोल में। 2 घंटे हो चुके हैं डो को लगाए हुए, चेक कर लेते हैं। तो कुलचा का डो बहुत ही अच्छा लगा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा राइस हुआ है। इसको हम पहले जो इसकी गैस है उसको इस तरह से निकाल देंगे और इसको अच्छे से एक बार गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसकी छोटी छोटी सी लोइयां काटेंगे। और ओवल शेप में इसको बेल देंगे। कुलचा थोड़ा ओवल शेप में ही बेला जाता है। बहुत ही जल्दी कुलचा सिक जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। जब एक साइड थोड़ा सिक जाए उसे पलट दें और देखिए कुलचा कैसे फूल रहा है। 2 से 3 बार उलटते पुलटते ये कुलचे को आपको तैयार कर लेना है। आप देखिए कैसे फूले फूले कुलचा बनके तैयार हो रहे हैं। इसी प्रोसेस से हम सारे कुलचे बना के पहले ही तैयार कर लेंगे। तो सारे कुलचे को हमने बना के तैयार कर लिया है, और एक सूती कपड़े में अच्छे से इसे लपेट कर रखेंगे, और आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है ये कुलचा। तो अभी इसी में रहने देते हैं और इसे हम सर्व करेंगे। थोड़े से बटर के साथ इसे एक बार और सेकेंगे। मटर बहुत अच्छी तरह गल गया है, बिल्कुल मशीसा हो गया है मटर। इसमें ऐड करेंगे
आधा कप प्याज, आधा कप ही यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटर, तो सब बारीक चॉप करके डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया, और जो ये चटनी बना के रखी थी उसका बड़ा सा एक चम्मच डालेंगे इसमें। ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर, और यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो नमक भी ऐड किया है, और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम आधा नींबू का रस। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ओहो, क्या ही चटपटा बन के तैयार हुआ था ये मटर। और चलिए अब हम जो कुलचा है उसको सेक लेते हैं। थोड़ा सा बटर डाल दिया है तवा पे, और जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने कुलचे आप ले लें। इस तरह से थोड़ा सा कुलचा में लगा देंगे हम बटर को, और दोनों तरफ से अच्छे से हम इसको सेक लेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया, और देखिए ये वापस से बिल्कुल फूले फूले कुलचे बन के तैयार हो जाएंगे। तो किसी पार्टी के लिए भी आप अगर बनाना चाहें तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। पहले से कुलचे बना के रख दें और मटर उबाल के रख दें, और लीजिए बहुत ही ज़्यादा चटपटा मटर कुलचा बनके तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ ज़ीरो ऑयल के साथ बनी हुई ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे कुछ खास रेसिपी के साथ। कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।